शहर के वार्ड नंबर 38 महवा स्थित कान्हा उपवन नगर में रहने वाले आम नागरिकों का बुनियादी सुविधाओं के अभाव को देखते हुए बुधवार को नगर आयुक्त अविनाश सिंह द्वारा महवा वार्ड का स्थलीय निरीक्षण के दौरान ट्रांसपोर्ट नगर से आगे बंधे की तरफ समय माता मंदिर के आसपास के निवासियों द्वारा खराब सड़क की मरम्मत की मांग की गई, जिसको देखते हुए नगर आयुक्त और विधायक विपिन सिंह के द्वारा नारियल तोड़कर विधिवत भूमि पूजन करके नए रोड का भी शुभारंभ किया गया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि महवा वार्ड में मलौली बंधा से समय माता मंदिर होते हुए धर्मेंद्र साहनी के मकान एवं अन्य विभिन्न गलियों में कुल 650 मीटर लंबाई का सीसी रोड व नाली के निर्माण हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नगर निगम गोरखपुर को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत सड़क की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा कराए जा रहे तथा त्वरित आर्थिक विकास कार्य पूर्ण हो जाने के बाद भी नगर निगम द्वारा स्थानीय निवासियों से गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली जाएगी। इस अवसर पर अवर अभियंता देवेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता एनडी पांडे, स्थानीय पार्षद रामभुआल कुशवाहा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह एवं नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, यहाँ 5 रोड नहीं बननी है, 5 रोड यहाँ स्वीकृत है और हमको नहीं लगता है कि 5 सालों जितना काम हुआ कभी हुआ होगा, ठीक ना। मकान से प्रदीप ओझा के घर तक 295 मीटर, सदानंद तिवारी के मकान से श्याम सुंदर के गांव मकान तक सीसी रोड 265 मीटर, शंभु किराना से धनौता के घर से के आगे से ठीक ना 205 मीटर, मलौनी बंधे से समय माता मंदिर स्थान होते धर्मेंद्र के निषाद के घर तक 92 लाख रुपए का भी काम है, ठीक ना। चुन्नीलाल सोनकर के मकान से नरसिंह निषाद के मकान तक सीसी रोड 56 लाख रुपए, काम स्वीकृत हो गए, काम होने में थोड़ा। महाराज जी, जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए 2017 से लेकर 22 तक के कार्यकाल में भी बहुत ज़्यादा कार्य हुए हैं और जनता ने फिर उनको आशीर्वाद दिया है। 22 से 27 के कार्यकाल में शायद गोरखपुर में कोई काम अछूता रह जाए जो न हो। आज महवा वार्ड में बहुतायत कार्य हो चुके हैं, 5 कार्य हमारे नए जो है नगर निगम को करना है वो सारे स्वीकृत हो गए, टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, ठेकेदारों का अनुबंध नगर आयुक्त महोदय द्वारा कर दिया गया है, सारे कार्य धरातल पर 2-4 दिनों में दिखाई दे जाएंगे। जनता को योगी सरकार से बेहतर कोई सरकार न तो मिली है न तो आगे मिलेगी। जो छोटी मोटी समस्या और रह जाएगी उसको भी हम लोग 4 साल का भी मौका उसको दूर कर देंगे। आज प्रातः ही मेरे संज्ञान में लाया गया था कि महवा कटनिया के क्षेत्र में लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी एक सड़क है जिसको लेकर वहाँ के स्थानीय जनता का ये था कि कोई उनकी सुध नहीं ले रहा है और वहाँ पर जो हालत बहुत ही ख़राब है,
रास्ते की और आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस संज्ञान में आते ही आज मैं सीधे वहाँ मौके पर गया और वहाँ की स्थानीय जनता को लेकर पूरे मार्ग का भ्रमण किया। निश्चित रूप से जो स्थानीय जनता की मांग है वो पूरी तरह से जायज़ है, उसको देखते हुए हमने तुरंत अपनी टीम को बुलवाया और ये पाया कि इस जो ये सड़क है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत त्वरित की जा स्वीकृत की जा चुकी है और इसकी कुल लागत जो है 93 लाख रुपए है और इसका जब स्वीकृत होकर इसका वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया है। इस पर मैंने तत्काल ही वहां पर जो हमारे ठेकेदार थे वहां के जेई एई एक्सीएन एक्टिंग चीफ इंजीनियर उन सबको तुरंत वहाँ पर बुला लिया और उस क्षेत्र के जो हमारे विधायक ग्रामीण हैं श्री विपिन सिंह जी उनको भी हम लोगों ने बुलाया कि और वहाँ पर पंडित जी के मौजूदगी में बाकायदा पूजा करके उनके माध्यम से फावड़ा चलवाकर नारियल फड़वाकर आज इस कार्य का शुभारंभ करा दिया गया है। और ख़ास तौर से चूंकि ये सीसी रोड पूरी बन रही है तो ठेकेदार को इस बात के कड़े हिदायत दे दी गई है कि जो क्वालिटी से जो काम की गुणवत्ता है उसी से उससे किसी भी प्रकार को कंप्रोमाइज़ नहीं करना है और जिस समय भी वो ढालेंगे तो लोगों को पहले बता देंगे जिससे कि ढालते समय कोई उस सड़क पे चलने न पावे, नहीं तो उनके जो फुट के उनके पैरों के जो निशान हैं वो सड़क पर आ जाते हैं। तो इस सब चीज़ों को उनको कड़े निर्देश देने के बाद साथ में ये भी कहा कि जब वो सड़क को सी सी रोड की ढलाई करेंगे उसमें मुझको बताएंगे जिससे कि मैं खुद भी वहाँ पर मौजूद रहूँ या मेरा कोई प्रतिनिधि वहाँ मौजूद है जिससे कि हम कार्य की गुणवत्ता उच्च कोटि की रहे इसको सुनिश्चित कर सकें। तो निश्चित रूप से आज इससे वहाँ के क्षेत्र के जो निवासियों में बहुत ही हर्षोल्लास की लहर है और एक बहुत ही अच्छा काम आज संपन्न हुआ है।